हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के ज्यामिति पढ़ेंगे। ज्यामिति में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे थ्योरम पढ़ने को है, बहुत सारे थ्योरम साबित करने को है, और उसमें से कुछ थ्योरम जो होता है एग्जाम में आता भी है, और कुछ ऐसा तो नहीं कि सब थ्योरम आएगा, सब थ्योरम नहीं आता है, लेकिन जितने भी थ्योरम सब इम्पोर्टेंट है। आप तो जानते नहीं ना कि कौन थ्योरम नहीं आएगा कौन आएगा, और सब थ्योरम का ऑब्जेक्टिव भी आता है। सब थ्योरम जो है ना उससे रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन, जैसे ये जो थ्योरम साबित करने जा रहा है इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। अब कैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो हम आपको बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी बताएंगे आपको। एग्जाम में लिखा रहेगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात समरूप त्रिभुजों के बलों का अनुपात के बराबर होता है, साबित करके दिखाइए। ऐसा रह सकता है या ऐसा रहेगा कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात किसका, क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यह साबित करना है। आया से यह थ्योरम क्या करा, याद हुआ मेरे साथ दोहराइए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग में स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, मान लिया दो समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ, यानी कि ना माना त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ, इसको क्या पढ़ते हैं, समरूप पढ़ते हैं ना जी, तो त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। अब दोनों समरूप त्रिभुज में आपको पता नहीं कि समरूप त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है बराबर, तो एंगल ए के बराबर हो जाएगा एंगल डी, एंगल बी के बराबर एंगल ई, एंगल सी के बराबर बोलिए एंगल एफ, ये कोई गलती की क्या। चलिए अब ये भी दूसरा बात जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजाएं जो होता है अनुपातिक होता है, पढ़े हो ना जी, समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है अनुपातिक, मतलब ए बी बटे डी, बी सी बटे ई, ए सी बटे डी ए, कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात इनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे अनुपात का मतलब क्या होता है बटा त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर इसका संगत भुजा कौन है जी ए बी और डी, ए बी का स्क्वायर बटे डी का स्क्वायर, उसी प्रकार से बीसी ईएफ तो बीसी का स्क्वायर बटे ईएफ का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बटे डीएफ का स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये आपको साबित करना है। यहां तक समझ में आया, यहां तक देखिए समझ में आया क्या क्या किया, रिकॉल कीजिए मन में क्या किया कि सर क्वेश्चन लिखा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। इसके लिए मान लिया दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ जो कि समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है बराबर होता है, बराबर हम लोग हमने लिख दिया ना। अब होता क्या है कि संगत भुजाएं अनुपातिक होता है, मतलब इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, कोई दिक्कत, तो साबित तो यही करना है। अब साबित करने के लिए क्या किया ना, रचना की, क्योंकि त्रिभुज का जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तब वो ऊंचाई चाहिए ना जी, आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दो आधार गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई से था पहले से, तो ऊंचाई से क्या किए रचना में किए कि ए से एम लंब डाला, लंब माने ऊंचाई होता है, जो लंब होता है 90 डिग्री का होता है उसको क्या बोलते हैं ऊंचाई, 90 डिग्री का कोण यहाँ हो गया जी, नहीं पता यहाँ भी 90 डिग्री का कोण हो गया, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, तो बी से डी एम लंब किस पे डाला है ईएम, देखिए लिखा हुआ ए से एम लंब बी सी, डी से डी एम लंब ईएम डाला या खींचा, कोई दिक्कत, दिक्कत है क्यों खींचा पता चला ना, ऊंचाई के लिए, क्योंकि ऊंचाई मालूम है, ऊंचाई नहीं मान रहे क्षेत्रफल निकल जाए त्रिभुज का नहीं, कहां से निकलेगा हिलोन घूमना से, तो अलग हो गया, यहां पर तुमको ऊंचाई से निकलना पड़ेगा ना, चलिए ऊंचाई हो गया, तो चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार कौन हो गया बीसी ना, आधार का कौन है जी बीसी ना जी, क्योंकि ऊंचाई जिस पर रहता है उसको आधार बोलते हैं, तो ऊंचाई एम है ना, तो ऊंचाई एम को निकल, उसी प्रकार त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, इसका क्यों सर, क्योंकि दोनों का निकालना है, दोनों का निकालना है ना जी, बस आपको क्वेश्चन में ही आंसर रहता है, आपको देखना है शंकर जी का तीसरा आंख खोलना है और देखना है कि कहां पर आंसर छिपा हुआ है, बस वो ऐसा देख लिए कर लोगे,
तो ऐसा देखा यहाँ पर क्वेश्चन भी दिख रहा है कि पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल रहा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया ना, लिखा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाले ना एक बटा टू आधा ऊंचाई, उसी प्रकार आप किसका निकाला क्षेत्रफल डी एफ का, तो त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल लिखेंगे जी, त्रिभुज डी एफ का क्षेत्रफल लिखेंगे ना जी, क्या एक बटा टू आधा ऊंचाई लिखे कि नहीं लिखे, कोई दिक्कत अब कह रहा है कि दोनों को सब बटा में कीजिए, हम अपने मन से कर रहे हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहे, सब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या करना है बट्टा में करना है ना, तो आपको भी बट्टा में दोनों को कर देना, कर दिए बट्टा में तो वन बाय टू, सो वन बाय टू कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल बचा कितना बी सी इंटू एम ई एफ इंटू डी एम, कोई दिक्कत इक्वेशन नंबर ये सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसी को मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर ये सेकंड, कोई दिक्कत अब कोई दिक्कत नहीं है, चलिए त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज डी एम ई, पहले ही बोले थे नाम लिखने को सोचना पड़ता है, पहला त्रिभुज का नाम आप कैसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहला त्रिभुज का नाम लिख दिया त्रिभुज ए एम बी, तो दूसरा त्रिभुज क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर नब्बे डिग्री एम पर है ना, इसमें नब्बे कौन है एन है ना जी, तो एन की जगह पर कौन आएगा, एम की जगह पर कौन आएगा एन, और यहाँ लिखिए बी है जो ई के बराबर है, तो बी की जगह पर कौन आएगा ई, बचा कौन इसमें कौन कौन बचा बी बचा ना जी, त्रिभुज डी ए बी, कोई दिक्कत नाम आया लिखने, नाम ही आए इतने नाम लिखने के लिए बताया थे, वो जरूर बताया था ना, तो इस तरह से नाम लिख दिए, कोई लिखा त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज डी एन ई में हम क्या देख रहे हैं, एंगल एम बराबर एन नब्बे डिग्री है और एंगल बी बराबर ई दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है बी बराबर ई दिया हुआ है जी, तो कौन कौन समरूपता, कौन कौन समरूपता ये भी हम साबित कर चुके थे, अगर आप नहीं ये जानते हो आपको साबित करना नहीं आता है तो मेरा ये थ्योरम देख लीजिएगा, ये साबित हम कर चुके हैं, यूट्यूब पे डाला हुआ है वहां से देख सकते हो, ठीक है, ये भी बहुत खास थ्योरम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जितने भी थ्योरम है सब खास है, कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें बहुत ज्यादा खास कौन है, तो थेल्स थ्योरम, थेल्स का बिलोंग, पाइथागोरस, पाइथागोरस का बिलोंग, सर्किल का तीन को थ्योरम है वो भी बहुत खास है, ये सब बहुत खास है, उसको तो आप जरूरी देख लीजिएगा, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए दोनों समरूप हो गया ना, अच्छा त्रिभुज दोनों समरूप हो गया कौन कौन समरूपता से, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं भुजा अनुपातिक होता है, तो भुजा अनुपातिक होता है कुछ भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लाना है ए, क्या लाना है यहाँ ध्यान दीजिए, हम यहाँ से चीटिंग कर रहे हैं, यहाँ पर लाना है क्या एम, यहाँ लेंगे एम, यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको डी एम लेना पड़ेगा ना, एम बटे डी एम, ठीक है, और दूसरा क्या लेंगे ए बी, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा डी, तो लिखे ए बी बटे डी, कोई दिक्कत, तो सर ए बी बटे डी क्यों लिखे, क्योंकि ए बी बटे डी का मान यहाँ पर है बी सी बटा ई ए, ए सी बटे डी, हमको यहाँ लाना क्या है, ये लाना है कि ये लाना, देखिए ध्यान से बी सी बटे ई एफ लाना है, तो ये वाला लिखेंगे कि ये वाला लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे ना, इसे यहाँ पर क्या लिखे बी सी बटे ई एफ का समीकरण में है ना जी, ए बी बटे डी का मान क्या लिखा हुआ है बी सी बटा ई एफ, लिखिए ना, तो सर मेरी मर्जी हम ये लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं ये वाला, लेकिन कब, जब ये वाला लम यहाँ पर डाले ना, ये लम इधर डालिएगा, ये लम इधर डालिएगा, तब अभी नहीं, अभी आपको ये लिखना ही होगा, दीदी है, अब ये वाला मान इसे पुट कर लीजिए समीकरण दो, लिखे यह मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र बटे त्रिभुज डी ए का क्षेत्र, दीदी है बराबर बी सी बटे ई ए, दीदी है अगुण है ए एम बटे डी एम की जगह क्या आएगा बी सी बटे ई ए, दीदी है बीसी से बीसी में गुणा करेंगे बीसी स्क्वायर, ये सी एम में गुणा करेंगे ये स्क्वायर, तो देखिए तो जरा ये वाला आ गया यहाँ पर और ये वाला भी आ गया यहाँ आ गया ना, तो इसी प्रकार से ये दोनों नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बीसी बटा ई एफ जो है वो ए सी बटा डी एफ के बराबर है, ए बी बटा डी के बराबर है, अगर हम बीसी बटा ई एफ के जगह पर क्या लिख रहे हैं ए बी बटा डी या ए बी स्क्वायर बटा डी एफ स्क्वायर, नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अगर हम ये लिख देते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ये नहीं आएगा, इसलिए जो हमको साबित करना था ये साबित करना था यहाँ पर लिख दिए और यहाँ पर हो गया, ये समझ में आया नहीं आया, क्या किया, तो सर दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात के बराबर होता है, ये आपका क्वेश्चन है, प्रश्न है, ये आपको साबित करके दिखाना है, इसलिए दो त्रिभुज मान लिया समरूप त्रिभुज एबीसी और डीईएफ है ना, दोनों जो समरूप थे आप प्रत्येक कोण क्या हो गया बराबर हो गया और भुजाएं ए बी बटा डी बी सी बटा ईएफ ए सी बटा डीएफ अनुपातिक हो गया, इसके इक्वेशन नंबर वन, सिर्फ करना है दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दोनों के भुजाओं के वर्ग का अनुपात के बराबर होता है, कोई दिक्कत
तो इसके लिए हम क्या किया, रचना कर लिया, इसमें लंब डाल लिया, इसमें भी लंब डाले ताकि हमको ऊंचाई मिल गया। और हमको कह रहा है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए, निकालिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एक बटा दो आधार ऊंचाई, फिर त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल निकालिए, एक बटा दो आधार ऊंचाई, और दोनों को बटन कीजिए, दोनों को बटन कर लिए, कर टूट हुआ इतना आ जाए, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लिया। अब त्रिभुज ए एम बी और त्रिभुज डी एम ई में देखना है कि एंगल एम और एम 90 डिग्री बराबर है, बी और ई दिया हुआ है बराबर है, तो कौन कौन समतल से दोनों क्या हो गया, समरूप हो गया ना। तो हमको लाना क्या है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर एम लाना है तो हम एम लेके चलेंगे, जैसा कि एम बी लेके चलेंगे, एम बी है कहीं पर नहीं ना, तो एम लाना, एम लेके यहाँ पर क्या जगह डी है, ठीक है ना, यहाँ पर ए बी भी है, यहाँ पर डी ई, और ए बी बटे डी का मान यहाँ पर देख लीजिए, बी सी बटे ई एफ भी है, ए सी बटे डी एफ भी है, हम यहाँ पर लिखेंगे कौन लाना है, बी सी बटे ई एफ, ये वाला दे देंगे यहाँ पर। अभी अगर समीकरण दो में रख दीजिए, समीकरण दो में लिखा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, बीसी बटे ईएफ, बीसी बटे ईएफ गुणा एम बटे डीएम के जगह पर क्या लिखना है, यहाँ देखिए यहाँ पर एम बटे डीएम के जगह पर क्या है, बीसी बटे ईएफ, बीसी बटे ईएफ पुट किया है, अब बीसी इंटू बीसी बीसी स्क्वायर ईएफ 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 स्क्वायर, ये ए को साबित कर दिए, वाला साबित हो गया, तो इसी प्रकार से ये दोनों भी साबित हो जाएगा, इसलिए इसके नाम पर आया समझ में। अब क्वेश्चन रहा कि सर इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव आएगा, ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव लिखा रहेगा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:81 है, क्या लिखा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:81 है, तो भुजा का अनुपात निकालिए, भुजा का अनुपात निकालिए, मेरा क्या फॉर्मूला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बट एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएफ बराबर ए बी का स्क्वायर बटे डी का स्क्वायर, है ना, ये तीनों लिखना जरूरी है, लिख सकते हैं इसे। अब यह तुमको दिया हुआ है कि 64:81 दिया हुआ है, अनुपात मतलब बटा 81, ये दोनों का स्क्वायर पे क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, नहीं, अब 64:81 किसका स्क्वायर है जी, 8/9 का है, इधर ए बी बटे डी का स्क्वायर, अस्वार अस्वार खत्म, भुजा का निकल गया, आठ अनुपात ना हो, तो देखिए ट्रिक क्या, इतना बनाएंगे, इतना नहीं बनाएंगे, ट्रिक से यूज करेंगे, क्या ट्रिक है कि जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा और कहेगा भुजा का अनुपात निकालिए, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल, तो 64:8/81 हो गया आंसर, ये ना था नहीं है सुन, जब भी आपको क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा और कहेगा भुजा का अनुपात निकालिए, क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, क्या करेंगे, वर्गमूल, जैसे कहेगा दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 5:9 है, क्या कर दिया 5:9 करा क्षेत्रफल का अनुपात, तो भुजा का अनुपात निकालिए, तो वर्गमूल निकालिए जी, तो 5 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता, 3/5 हो गया, 9 का निकलता है क्या, और 9 का निकल जाता है जी, 3 हो गया, कोई दिक्कत, अच्छा दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर है, तो भुजा का अनुपात निकालिए, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा ए, इसे कितना हो जाएगा बी, नहीं आ रहा समझ, आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, अब भुजा का निकालना था वर्गमूल निकाल लेना, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:k है, तो भुजा का अनुपात निकालिए, तो 1 का अनुपात तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, अब k का वर्गमूल क्या हो जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो रूट अंदर, तो भुजा का अनुपात निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो कभी कभी उल्टा क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से कि दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात 8:9 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, तो जब क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो उल्टा कर देंगे, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जैसे अभी ये भुजा का अनुपात निकालना था तो वर्गमूल निकाले ना, जैसे स्क्वायर रूट निकाले ना, अब क्षेत्रफल का पहला निकालिए अनुपात, तो स्क्वायर करेंगे 8/64 और 9/81, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात कितना है, तो कहेगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 9, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात ये है, तो क्षेत्रफलों का निकालिए, तो क्षेत्रफल का निकालना तो स्क्वायर करेंगे, क्षेत्रफल का निकालने तो स्क्वायर, आ रहे समझ में, ये मान लीजिए भुजा का अनुपात दिया हुआ है तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, स्क्वायर 1/1 रूट का स्क्वायर, तो इस तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव हम क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं तो बना सकते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए थ्योरम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तो आज के इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू, जय हिंद।